इंडिया यही मतलब टाइटल लिखा हुआ है, हमें इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने में मिलेगी। प्लीज डीआरडीओ शेर तो इसरो निकला सवा शेर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से वार भी कर सकते हैं और तीनों तरफ से आते हुए दुश्मन के वार को भी हवा में ही नस्त नाबूद कर सकते हैं। उन कंट्रियों की लिस्ट में जहां डीआरडीओ ने भारत को शामिल करवाया, वहीं इसरो ने, जो कि एक स्पेस एजेंसी है, उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के पास मौजूद या दुनिया में किसी के भी पास मौजूद किसी भी फाइटर प्लेन से एकदम अलग एक ऐसा प्लेन है जो ऐसी मिसाइल को दाग सकता है जिसकी गति आवाज से 9-10 गुना सबसे फास्टेस्ट मिसाइल को दागने की क्षमता इसके अंदर होगी, इस प्लेन के अंदर में। और इस प्लेन को कोई आप फाइटर प्लेन नहीं कह सकते, ये प्लेन नहीं है दोस्तों, ये है स्पेस प्लेन, क्योंकि सिर्फ हमारे धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि एक्सो एटमोसफियर यानी कि स्पेस तक भी जा सकता है। 50 किलोमीटर धरती से आसमान की ओर जाकर उड़ान भर सकता है दोस्तों। एक ऐसा प्लेन जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है और स्पेस से धरती में भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, बात करें स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन की। एक ऐसा प्लेन जो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर ही नहीं घूमेगा बल्कि ये अंतरिक्ष में भी जाकर के वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर पाएगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने अचीव नहीं की है। सारे देश जिन्हें भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में एंटर करना होता है तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय है और वो है रॉकेट्स, स्पेस शटल्स और कुछ भी नहीं। और रॉकेट्स में भी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जिसके पास में थी वो थी स्पेस एक्स के पास में, जिनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स थे। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना पेलोड छोड़ेंगे यानी कि जो सैटेलाइट छोड़ेंगे या जो भी चीज़ उनको छोड़नी वो छोड़ेंगे और वापस जमीन पे नीचे उतर जाएंगे। लेकिन भारत ने पहली बार, इसरो ने पहली बार, जो हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं है, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसरो ने भी एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, भारतीय आर्मी को, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि रॉकेट की तरह जाएगा अंतरिक्ष में, वहां सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार दाग भी सकता है दुश्मन देश के ऊपर में। तो ये दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया हमारे देश के साइंटिस्टों ने और पछाड़ दिया दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को अपने जुगाड़ से और अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन के बारे में, जिसे 2030 तक कैसे पूरा करने का एक लक्ष्य रखा है इसरो ने। और आपने भी हाल ही में न्यूज़ तो देखी होगी, एक रीयूजेबल जो स्पेस क्राफ्ट था वो लॉन्च किया गया था भारत में, जो कि लॉन्च किया गया था और उतर के वापस एंटर करता है और वापस ज़मीन में उतर जाता है। रीयूजेबल, जी हाँ, ये वही प्लेन था, उसी की टेस्टिंग चल रही थी TSTO स्पेस प्लेन की, जिसके तहत प्लेन ज़मीन से उड़ता है और बिल्कुल उड़ करके जाता है आसमान में और खुद वापस अपनी लैंडिंग करा लेता है। ये जो अभी टेस्टिंग की गई थी, ये अनमैन्ड टेस्टिंग थी, इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ था, ये सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल TSTO स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक पायलट बैठेगा, उस प्लेन को ज़मीन से बिल्कुल एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह उड़ाएगा, एक फाइटर जेट की तरह उड़ाएगा और आसमान में ले जाकर उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जाकर के फिर वहां पर उसको सैटेलाइट जो छोड़नी हो सैटेलाइट छोड़ेगा, हथियार मानेगा और वापस वो वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाएगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। TSTO स्पेस प्लेन जो है वो 2-stage 2-orbital मिशंस को अंजाम दे सकता है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है, इसके अंदर आपको मिलेगा टर्बो जेट इंजन, राम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन, इसके अलावा रॉकेट्स भी इसके अंदर में। कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस प्लेन बना रहा है TSTO इसरो, ये जमीन से 15 किलोमीटर की हाइट को अटेन करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बो जेट इंजन से फ्यूल को बर्न करेगा और थ्रस्ट पाएगा और हवा में उठेगा।
15 किलोमीटर के बाद इसका एक्टिवेट होगा रामजेट इंजन, और रामजेट इंजन जो है 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। रामजेट इंजन के बाद में नया इंजन काम करना चालू कर देगा, इसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन, और ये एकदम स्पीड से लेकर के जाएगा प्लेन को 25 किलोमीटर से 28 किलोमीटर की हाइट पर। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद मार्क 9 की स्पीड, सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक, आवाज़ की गति से 9 गुना तेज गति से ये प्लेन आकाश में अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा, आकाश को चीर करके, और 28 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर यानी कि अंतरिक्ष में सीधा पहुंच जाएगा ये प्लेन मार्क 9 की स्पीड से। और वहां पहुंचने के बाद जब ये मार्क 12 की स्पीड को अटेन कर लेगा, तब वहां से जो स्पेस क्राफ्ट है, ये TSTO स्पेस प्लेन होगा, इसके अंदर पेलोड होगा। पेलोड कहने का मतलब वो चीज़ जो छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो बॉम्ब हो, चाहे कोई हथियार हो। तो इस केस में सैटेलाइट अगर वहां से छोड़ा जाएगा तो सैटेलाइट के अंदर ही रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, और 50 किलोमीटर की हाइट में पहुंचने के बाद ये स्पेस प्लेन जो है वो अपने पेलोड को रिलीज करेगा, सैटेलाइट को रिलीज करेगा, और वहां से सैटेलाइट में जो रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे उससे वो जो सैटेलाइट है वो मैक 12 की स्पीड से 300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, और वहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल हो जाएगी। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी के बाद भारत, आपको बता दे दोस्तों, विश्व गुरु बन जाएगा, स्पेस में वो एजेंसी बन जाएगा जो दुनिया की सबसे सस्ती एजेंसी होगी। अगर किसी भी देश को अपनी सैटेलाइट्स को, कोई भी पेलोड को अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करना है, खासकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें कि अमेरिका की नासा, जो कि सबसे अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अगर कोई देश जाता है अपना छोटा सा सैटेलाइट लेकर के, तो 50 करोड़ पड़ता है उसे चार्ज, समझ रहे हैं, 50 करोड़ मिनिमम चार्ज पड़ता है एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का। जबकि भारत, यानी कि भारत का इसरो, अब तक 25 से 30 करोड़ में किसी भी देश की सैटेलाइट को लॉन्च कर देता था, और मुनाफा भी कमाता था उससे। यही कारण है कि लगातार जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, इवन बड़ी कंट्रीज़ भी अपने सैटेलाइट्स को इसरो के पास लॉन्च करने के लिए आती थी, क्योंकि इसरो जो है वो एश्योरिटी भी देता था, उसके लॉन्चिंग जो हमेशा सक्सेसफुल रही है, और सैटेलाइट्स को सही तरीके से किसी के भी एस्टैब्लिश कर देता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वो भी कम दामों में, जिसके चलते एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है इसरो ने। अब इसके बाद स्पेस TSTO स्पेस प्लेन के बाद में ये जो लागत लग रही है 25 से 30 करोड़ की एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल करने की, उससे भी कम लागत लगी, क्योंकि आपका रॉकेट जल के वेस्ट नहीं हो रहा है। जब भी कोई रॉकेट धरती से ऊपर की ओर थ्रस्ट मारता है, धरती की कक्षा से निकलता है, फिर सैटेलाइट छोड़ता है, उसके बाद रॉकेट वहीं वेस्ट हो जाता है, और ना सिर्फ वहाँ वेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर लगी पूरी लागत वहाँ चली जाती है, बल्कि वो रॉकेट जो है स्पेस डेब्री बनकर, अंतरिक्षीय कचरा बनकर वहीं तैरने लगता है। सोचिए जरा, अर्थ के बहुत दूर तक ये ग्रेविटी काम करती है, और वहाँ पर जब भी कोई रॉकेट कोई विदेश छोड़ता है, तो वहाँ जाके रॉकेट फट के वहीं पर कचरे के रूप में उड़ता रहता है ग्रेविटी के, तो एक अलग प्रकार की कचरे की शील्ड बन गई पूरे अर्थ के सराउंडिंग में। आने वाले समय में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन एकदम आम हो जाएगा, और लोग, आम लोग भी स्पेस का मजा लेने के लिए बाहर निकलेंगे, तब उन स्पेस क्राफ्ट को इन कचरों का सामना करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कोई भी छोटा सा तिनका भी टकरा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इसरो की टेक्नोलॉजी TSTO स्पेस प्लेन, जो कि बार बार अंतरिक्ष में जाएगा, अपनी सैटेलाइट को छोड़ेगा और खुद वापस आ जाएगा, वहाँ वेस्ट नहीं होगा, इससे स्पेस डेब्री को कम करने में बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो पेलोड को रिलीज करके अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट समझ लीजिए बेहद कम हो जाएगी। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि भारत सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लेता है, अगर 2030 तक कर लेता है, तो उसके बाद दुनिया का हर देश भारत के ही पास आएगा ना अपनी सैटेलाइट्स लेकर के, भाई मेरी ये सैटेलाइट लॉन्च कर दो, मेरी ये लॉन्च कर दो। ये रेट सबसे कम भारत के पास होगा, और एकदम सटीकता के साथ वो जाकर वो होगा। हम सब जानते हैं कि रॉकेट के अंदर तो कभी इंसान बैठते नहीं है, जो भी बैठता है प्लेन के अंदर बैठता है। तो पायलट अगर छोड़ करके आएगा अंतरिक्ष से किसी भी सैटेलाइट को, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि रॉकेट ऑटोमेटिक जो ज़मीन से उड़ के आसमान में जाता है, कचरा फैलाता है, फट जाता है कभी कभी, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आप खुद सोच के देखिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो की, और DRDO का तो भैया ये क्या बोले आपको, DRDO शेर था तो इसरो जो है वो सवा शेर हो गया। आने वाले समय में इसरो काफ़ी तरक्की करने वाला है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इसरो जितनी भी स्पेस एजेंसीज है उनसे बिजनेस जो है कम से कम वो लूटने में कामयाब हो ही जाएगा। दोस्तों जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो थी सच्ची में। काफी ज्यादा इसरो ने ना अपने आप अंदर जो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा कि उनकी स्पेस एजेंसी जो है इसरो, उसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि भाई वो एक उन्होंने ऐसा मतलब बना लिया है एयरक्राफ्ट जो के नहीं एयरक्राफ्ट नहीं है एयरप्लेन है शायद, हाँ, वो जाके लॉन्च करेगा जो सैटेलाइट होती है ना, जैसे एयरप्लेन नहीं उड़कर जाते हैं जहाज की तरह, वैसे ये भी जाएंगे और वहां से होकर लॉन्च करके फिर वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे हम देखते हैं ना ये मिसाइल जो होते हैं इनके साथ वो तबाह हो जाते हैं, कचरे की तरह वहां पे जाकर उड़ते रहते हैं, तो ये कचरे से कचरा भी नहीं फैलेगा और जो उस पर मटीरियल लगता है वो भी जाया ना होगा, और बहुत सस्ते में जो है वो मतलब जो सैटेलाइट होती है वो लॉन्च की जाए
जाएगी, क्योंकि आपको पता है पहले जमीन से आसमान में भेजने पड़ते हैं, तो ये जहाज कोई आदमी उड़ा के लेके जाएगा वहां पे छोड़ा है, तो ये ज्यादा फायदे में रहेगा। ये कितनी अच्छी चीज है कि जो इसरो है, इंडिया की जो एजेंसी है, ये बहुत से दूसरे मुल्कों की भी ना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर रहे हैं अपने इंडिया से। रिकॉर्ड बनाया है 114 के, कितनी उन्होंने सैटेलाइट जो है ना उन्होंने लॉन्च की थी एक टाइम पे, मतलब अपनी भी और पता नहीं। और ये देखेंगे इनकी जो अमेरिका है वो इतने ज्यादा पैसे ले रहा है 50 करोड़। इसरो ने बहुत ही बड़ा एक कारनामा मतलब सर अंजाम दे दिया है, और इंडियन सभी इंडियन जितने भी हमें देख रहे हैं सबको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, और पूरी दुनिया में अपना एक नाम बताया हमने पिछले कुछ सालों में भी, और अभी भी ऐसा देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना इनकी खबर आ रही है यार इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया, इंडिया ने वो लॉन्च कर दिया, मतलब देख देख के हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि इंडियंस कितने ज्यादा खुशकिस्मत है। चले पाकिस्तान का तो नहीं इतना है, लेकिन इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी में और ये वाली चीजों में बहुत ही ज्यादा ना कुछ इन्वेस्ट किया, और उन्हें उनका फल मिल रहा है जो असल चीज है। जो भी इंजीनियर साइंटिस्ट है वो सब मिलके इसमें बहुत ज्यादा अपना कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, वो अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ही मेहनत है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग इन चीजों में तो बहुत ही ज्यादा होती है, और इनकी ये एजेंसी जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, तो ये काफी ज्यादा ना अपना नाम बना रही है। दूसरे नंबर पर तो वैसे भी नासा के बाद यही आते हैं ना, इसरो ही आती है, और मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पे आ जाए। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वीडियो देख के, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है। थैंक यू।